तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 30,000 रुपए के अराउंड में एक लैपटॉप बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये जो लैपटॉप है वो आपको कितने रुपए में पड़ेगा और ऑनलाइन कितने प्राइस में पड़ेगा, ऑफलाइन कितने प्राइस में मिलेगा और इसके अंदर क्या क्या डिटेल होगी, मतलब क्या क्या इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं इंटरेस्टेड टोटल टेक। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का जो लैपटॉप है वो Lenovo कंपनी का है, जी हाँ दोस्तों, और वो V145 है। तो सबसे पहले अगर हम इस लैपटॉप के कलर के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप का जो कलर है ऑनलाइन हमारे को ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो आपको भी एक ब्लैक कलर देखने मिलेगा, आपको इसके अंदर व्हाइट या सिल्वर कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अब आपको इसकी कुछ डिस्प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो हमारे को 15.6 इंच का देखने को मिलेगा, मतलब जो इसका डिस्प्ले साइज है वो 15.6 इंच का होगा। और इस लैपटॉप की हाइट, मतलब जो ऊंचाई है वो 23 मिलीमीटर है। वाइड जो इसकी चौड़ाई है वो 25.3 सेंटीमीटर है। और दोस्तों, होम स्क्रीन पर हमारे को विंडो 10 देखने के मिलेगी जो कि 64 बिट होगी। तो दोस्तों, अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस Lenovo लैपटॉप का प्रोसेसर AMD है। तो दोस्तों, इससे जो प्रोसेसर की जो सीरीज होगी वो A सीरीज होगी और प्रोसेसर की जो स्पीड है वो 2.6G हर्ट्ज होगी। और इस लैपटॉप के अंदर दोस्तों प्रोसेसर दो लगे होंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम इसके रैम और स्टोरेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो इस Lenovo लैपटॉप के अंदर 4GB तक रैम देखने को मिलेगी और 1TB, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1TB तक स्टोरेज देखने को मिलेगा। जो कि दोस्तों, ये जो स्टोरेज और रैम है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 30,000 रुपए के अराउंड में हमारे को ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लैपटॉप। तो दोस्तों, अगर हम इस लैपटॉप के अंदर गेमिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों, हम इसके अंदर गेमिंग सभी प्रकार की गेमिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर है, जैसे आपको फ्री फायर खेलना पसंद है या फिर पबजी खेलना पसंद है या फिर आप GTA Vice City के लवर हो, तो दोस्तों आपको इसके अंदर सभी प्रकार की गेमिंग बहुत ही आसानी तरीके से खेल सकते हो और आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप वीडियो एडिटिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो तो आप अपना कुछ भी कार्य, मतलब सब कुछ कार्य हम इसके अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर एक स्पीकर भी है जो कि हमारे को वेक साइड में देखने को मिलेगा, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो मीडियम साइज की होगी, मतलब हम मीडियम साइज का वॉल्यूम सुन सकते हैं या फिर हम कोई मीडियम वॉल्यूम का म्यूजिक सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस Lenovo लैपटॉप के अंदर सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे को एक ब्लूटूथ सेंसर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ ही हमारे को एक वाईफाई सेंसर भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर की कमी छोड़ दिया है, मतलब हमारे को इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक जो लैपटॉप बताया है उसको हम ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक या फिर 8 घंटे तक रन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो लैपटॉप है ये सभी से अलग है, क्योंकि दोस्तों हम इस लैपटॉप को 10 घंटे तक, जी हाँ दोस्तों, हम 10 घंटे तक इस लैपटॉप पर लगातार वर्क कर सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है वो हमारे को 2 सेल देखने को मिलेगी, मतलब हमारे को 4000 mAh की इसकी बैटरी देखने को मिलेगी। बैटरी के साथ साथ ही हमारे को लैपटॉप के साथ एक चार्जर भी देखने को मिलेगा जो कि 35 वाट का फर्स्ट चार्जिंग होगा। इस लैपटॉप का भार, जी हाँ दोस्तों, वेट वो थोड़ा सा बहुत ही अलग है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ये वजन में थोड़ा सा भारी है। तो दोस्तों, इस लैपटॉप का जो भार है वो 2.1 किलोग्राम, जी हाँ दोस्तों, 2 किलो 100 ग्राम का देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा भारी है। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम इस Lenovo लैपटॉप के लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस लैपटॉप का प्राइस क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे को ये लैपटॉप है वो हमारे को 31,000 रुपए के अराउंड में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 1TB स्टोरेज है, उसका थोड़ा सा जो प्राइस है वो इसको बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया है, लेकिन ये हमारे को 30,000 रुपए तक देखने को मिल सकता है। अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो आपको थोड़ा सा 2,000 रुपए महंगा मिलेगा, मतलब आपको 35,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन परचेज कीजिए। तो दोस्तों, मैंने इस लैपटॉप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न